माय लाइफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडा मसाला। उसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे उबले हुए, 2 प्याज बारीक कटा हुआ, इस तरह का बारीक कटा हुआ, और टमाटर, लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और ज़ीरा। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और कढ़ाई रख देंगे, मीडियम रखेंगे और तेल डाल देंगे। तीन से चार चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल कांदा डाल देंगे। अब कांदे को हम नरम होने तक सौते करेंगे और उसमें बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब उसमें नमक डाल देंगे, नमक डालकर हम उसको हिलाते रहेंगे, ब्राउन होने, नरम पड़ने तक, ब्राउन नहीं करेंगे उसको, हल्का सा नरम होने देंगे। अब हमारा कांदा नरम हो चुका है, हम अंडों को बारीक टुकड़ों में काटेंगे। जर्दी हटा दो, जर्दी को अलग रख देंगे और उसको छोटे छोटे पीस हम बना लेंगे। सारे अंडों को हम इसी तरह से कट कर देंगे। सारे अंडों को काट दिया है। अब हमारा कांदा नरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा डालकर थोड़ा भून लेंगे। एक 2 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे, फिर मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालकर हम उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर टमाटर उसमें ऐड कर लेंगे। टमाटर नरम पर होने तक इसे पकाते रहेंगे। जब हमारे टमाटर पूरे गल जाएंगे तब तक पकाते रहेंगे। ये हमारे टमाटर हो चुके हैं, गैस को हम स्लो रख देंगे और थोड़ा ढककर 5 मिनट पकाएंगे। देखिए हमारा पूरे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हम इसमें अंडे डाल देंगे। और मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे।
अब इसमें ये जर्दी को डालना है तो डालिए, नहीं तो नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। अब उसे गैस को ऑफ कर देंगे और हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। ये हमारा रेडी है अंडा मसाला। पसंद आया तो आपको लाइक कीजिए। थैंक यू। देखिए ऐसे